भूतिया दुल्हनों का आम का बगीचा। बचाओ कोई, मुझे बचाओ, कहाँ जाऊँ मैं, यही छुप जाती हूँ। लड़की तू मुझसे बच नहीं पाएगी, तेरा मरना तय है। हम तुझे मार देंगे और तेरा भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। रानी नाम की दुल्हन भूत और चुड़ैल से बचने के लिए आम के बगीचे में छुप जाते हैं। उसे देखकर भूत और चुड़ैल और तेज हंसने लगते हैं। डर डर कर वो अपने आसपास देखती है और फिर उसकी नजर इस आम के पेड़ के ऊपर टहनियों पर जाती है जिसके नीचे वो छुपी थी। उस पेड़ पर बहुत सारी दुल्हन लड़कियों की कटी मुंडी लगी हुई थी। दुल्हनों की इतनी सारी मुंडियां। अरे वाह, तू तो उसी जगह आ गई जहाँ तेरी मौत होनी चाहिए। देख ले इस आम के बगीचे के आम के पेड़ को, देख कितनी सारी दुल्हनों के सिर काट कर लटका रखे हैं। अब तेरा भी वही हाल होगा। मरने के लिए तैयार हो जा लड़की। मैं तो तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आज मेरी शादी होने वाली है। हम तुझे नहीं छोड़ सकते, और तेरी शादी होने वाली थी समझी, पर अब तो मर जाएगी। इतना कहते ही वो भूत और चुड़ैल उस दुल्हन लड़की की तलवार से मुंडी काट देते हैं और उसी आम के पेड़ के ऊपर लगा देते हैं। उस आम के बड़े से पेड़ पर एक और दुल्हन लड़की की मुंडी लटक जाती है। अब देखो हमारे आम के बगीचे के पेड़ की शोभा और कितनी बढ़ गई है, अब हम बाकी दुल्हन लड़कियों को भी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा तुमने, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आखिर ये भूत और चुड़ैल कौन थे जो दुल्हन लड़कियों को मारने में बहुत दिलचस्पी रखते थे? क्या दुल्हन लड़कियों को जान लेने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद था, या इन भूत और चुड़ैलों की मस्खरी थी? आखिर भूत और चुड़ैल अपने ही आम के बगीचे में दुल्हनों की मुंडी काटकर क्यों सजाए हुए थे? ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा, जहां बूढ़े मुकेश और सरस्वती आम के बगीचे से आम इकट्ठा करते हैं। अरे सरस्वती, मैंने पके हुए आम तोड़ लिए हैं, अब तुम अच्छा सा एक शरबत बना देना ताकि रूही बिटिया पी ले, उसे बहुत पसंद है। हाँ जी मैं बना दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल ये भी आम लेकर चलिए, शाम को हमें इन्हें बाजार में भी बेचने के लिए जाना है। हाँ, ले रहा हूँ, ये टोकरी भी मैंने भर ली है। मुकेश टोकरी में आम लिए अपनी पत्नी के साथ घर आ जाता है। फिर वो अपनी बेटी के साथ आम पन्ना पीते हैं। अरे वाह माँ, इतनी गर्मी में आपने मेरे लिए आम पन्ना बना कर दिया, उसके लिए शुक्रिया, मुझे आपके हाथ का ये बहुत पसंद है। जितना पीना है बेटा पी ले, शादी के बाद तुझे ये रोज रोज नहीं मिलने वाला, हम तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। हाँ रूही बेटा, मैं आप दोनों से अलग नहीं होना चाहती, मैं शादी के बाद भी आपसे मिलने आऊंगी और आपके हाथ का आम पन्ना पिया करूंगी। ठीक है बेटा। एक तरफ सरस्वती पंडित से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने को कहती है, वहीं दूसरी तरफ लालची मुखिया लालू उन दोनों के आम के बगीचे पर नजर गड़ाए बैठा था। तभी वो अशोक के पास जाता है। अरे अशोक, बहुत उम्मीद लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उस मुकेश के बड़े से आम के बगीचे को तो तुमने देखा ही होगा, मैं सारे हथकंडे अपना चुका हूँ लेकिन वो आम का बगीचा मेरे हाथ नहीं आ पाया, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। पर मैं क्या करूंगा? तुम्हें उसकी इकलौती बेटी से शादी करनी होगी, शादी करके तुम्हें उसके आम के बगीचे के कागजात को हड़पना होगा, और चिंता मत करो, दो बेटी तुम्हारे लिए मैंने तैयार कर रखी हैं। ठीक है अंकल, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। फिर अशोक चला जाता है। उस लड़की के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो अशोक पंडित को पैसे देकर उनके घर रिश्ता भेजता है। पंडित अशोक के बारे में मुकेश को सब अच्छा अच्छा बताता है, जिससे मुकेश अपनी रूही की शादी अशोक से करने के लिए तैयार हो जाता है। दो दिन बाद शादी करने से पहले अशोक मुकेश से कहता है, पापा जी मैंने आपको अपने बारे में तो बता ही दिया है कि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है, आपकी बेटी को मेरे साथ रहने में बहुत आसानी होगी, पर आप जानते हैं मेरा काम में हाथ कितना ढीला चल रहा है, अगर आपकी बेटी सुखी रहे तो आप मुझे अपने आम का बगीचा मेरे नाम कर दीजिए, या आप कागज दे दीजिए, मैं तैयार करवा लूंगा कुछ ही दिनों में। अरे बेटा, उस आम के बगीचे से तो हमारा सब कुछ चलता है। अशोक जी मैं आपको जानती हूँ, आप जितना दिल के अच्छे हैं उतने ही मेहनती भी हैं, तो आपको आम के बगीचे की क्या जरूरत, आप कोई दूसरा काम देख लीजिए, वरना मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी।
रूही मैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा मांग लिया क्या? अब बता दो शादी करनी है या नहीं? नहीं नहीं बेटा, ये शादी मत तोड़ना वरना समाज में हमारी थूथ हो जाएगी। सुनिए जी, आम के बगीचे के पीछे हम अपनी बेटी का रिश्ता खराब नहीं कर सकते, दे देते हैं। ठीक है, शादी खत्म होने तक मैं कागज निकालता हूँ, पता नहीं कहाँ रखे हैं। ठीक है, आप कागज निकालिए, मैं शादी कर लेता हूँ। कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और मुकेश जैसे ही उसके हाथ पर आम के बगीचे के कागज रखता है, अशोक अपने गले की वरमाला तोड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा काम हो गया। अब मुझे चलना चाहिए। और सुनो, शादी में तोड़ता हूँ, ना मैं तुम्हारा पति हूँ ना तो मेरी पत्नी। तभी मुखिया भी आ जाता है। शाबाश अशोक, चलो साथ चलते हैं, आखिर तुमने मुझे वो दे ही दिया जो मैं कब से चाह रहा था। ये सब क्या हो रहा है अशोक? तुम ये कागजात लेकर मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और तुमने ऐसा क्यों कहा? अभी तो हमारी शादी हुई है। मैं इस शादी को नहीं मानता, ये मेरे लिए एक नकली शादी थी। मैंने तो बस आम के बगीचे के कागज तुम लोगों से छीनने के लिए ये सब किया था, जो कि मुखिया जी को चाहिए था। नहीं अशोक, नहीं, ऐसा मत करो। मेरा क्या होगा? मेरे मम्मी पापा अब कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे? तुमने उनसे जमीन हथिया ली। वो सब मैं नहीं जानता। अरे तुमने मेरी बेटी के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है, और मुखिया तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। अपने आम के बगीचे का कागज वापस लेकर रहूंगा। अब कुछ नहीं मिलेगा। मुखिया अशोक को लिए वहां से चला जाता है। रूही बहुत रोती है। मुकेश और सरस्वती भी बहुत परेशान थे, वो अपनी बेटी को समझाते हैं। रात हो जाती है, रूही को नींद नहीं आती। शादी करने के बाद लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं और मैं अपने माँ बाप की गुनहगार हूँ और अब उन पर और बोझ नहीं बन सकती, इसलिए मम्मी पापा मैं आप लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। रूही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है और जब सुबह सरस्वती और मुकेश को अपनी बेटी की लटकती लाश दिखाई देती है तो वो बहुत टूट जाते हैं और आग बबूला होकर मुखिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनका दामाद भी मौजूद था और वहां पार्टी चल रही थी। अरे वाह, अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। ओ, सास ससुर जी आए हैं। आइए आइए आइए, आप भी आइए, हुक्का पी लीजिए। अरे बकवास बंद करो, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी फांसी को चढ़ गई, अब तुम्हें भी मरना होगा। गुस्से में सरस्वती और मुकेश उन पर ईंट पत्थर मार देते हैं। मुखिया और अशोक भी गुस्से में आकर उनकी जान ले लेते हैं और उनके ही आम के बगीचे में उन्हें दफन कर देते हैं। वहीं वो बूढ़े माँ बाप मरने के बाद भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। इन दरिंदों की वजह से हमारी बेटी दुल्हन के जोड़े में ही हमें छोड़कर चली गई। इस आम के बगीचे की वजह से सब कुछ हुआ है। अब हम गांव में किसी की भी बेटी को दुल्हन नहीं बनने देंगे। हाँ, और जो भी लड़की दुल्हन बनेगी उसकी मुंडी को अपने आम के बगीचे के पेड़ पर लटका देंगे और उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद वो भूत और चुड़ैल गाँव की बाकी दुल्हन लड़कियों को मार कर उसी आम के पेड़ पर सिर काट के लगा देते हैं और थोड़े दिन में अशोक और मुखिया की भी जान ले लेते हैं। उनका ये सिलसिला खत्म नहीं होता और मुखिया की पत्नी गांव में तांत्रिक बाबा को ले आती है। तांत्रिक बाबा, अब आप ही हमारे गांव की और लड़कियों को मरने से बचा सकते हैं। मैं अपने पति को नहीं बचा पाई, लेकिन और किसी की जान भी नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करो बेटी, मैं आंतरिक दृष्टि से भूत चुड़ैलों की कमी भी पहचान कर सकता हूँ, तो उनका हटाना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर भूत और चुड़ैलों की कहानी जान लेता है और फिर अपने मंत्र से उनकी बेटी को बुलाता है। तांत्रिक बाबा, क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जाने के वियोग में इस गांव की हर दुल्हन लड़की को मारकर उसी आम के पेड़ पर लटका दिया है जो तुम्हारे माँ बाप का कभी हुआ करता था। अब उन्हें सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। क्या मम्मी पापा ठीक है? बाबा, मैं उन्हें जरूर समझाऊंगी। दोनों भूत और चुड़ैल आम के पेड़ के नीचे ही बैठे थे, जहां दुल्हन की मुंडियां कटी लटकी थी। तभी रूही आत्मा रूप में उनके सामने आती है। मम्मी पापा, आप लोगों को मैं इस रूप में देखकर बहुत दुखी हूँ। आपने मेरे लिए कितने मासूम लोगों की जान ले ली। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी किस्मत थी, पर आपने इस गाँव की बहुत सारी लड़कियों के साथ नाइंसाफी कर दी। आपको ऐसे भटकता हुआ देख मेरी आत्मा रो रही है। आप ऐसा मत करिए, मेरे साथ चलिए।
रोही बेटी, हम तेरा बदला ले रहे थे और हमने उस अशोक और मुखिया को भी मार दिया। हाँ मेरी बच्ची, मम्मी पापा जब आपने अपना बदला ले ही लिया है तो फिर मासूम की जान क्यों लेनी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे साथ चलिए ये जगह छोड़कर हमारी दुनिया में। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तू यही चाहती है तो हम चले जाते हैं। ये सब होता हुआ डर से तांत्रिक और कुछ गांव वाले देख लेते हैं। फिर रूही अपने माता पिता की आत्मा को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो भूतिया आम का बगीचा भी इन आत्माओं से मुक्त हो जाता है। वहीं अब गांव में फिर से लड़कियों की खुशी खुशी शादी होने लगती है।